एवरीवन, मैं हूं ममता। बच्चस किचन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, प्लीज टेक केयर। तो आज हम बनाने वाले एक वेज स्टार्टर रेसिपी, इस रेसिपी का नाम है चिली मशरूम। चलो तो फिर देखते हैं ये रेसिपी, बट उससे पहले अगर आपने मज्जूस किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। वी रियली वॉन्ट टू ग्रो आर मज्जूस किचन फैमिली। घर पर बनाइए टेस्टी लाजवाब रेस्टोरेंट स्टाइल चिली मशरूम। चिली मशरूम बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमने लिए है मशरूम। मशरूम को हमने कट करके लिया है। बाद में हमने लिया है 1 कप मैदा, 1/4 कप कॉर्नफ्लावर, अनियन को मैंने यहाँ पे डाइस कर लिया है, कैप्सिकम लिया है मैंने यहाँ पे 1, सॉसेस लिए हमने, ग्रीन चिली लिया है और ब्लैक पेपर लिया है। पहले हम मशरूम को कोट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है, उसके बाद हम इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर। ये ऑप्शनल है, बट इससे जो हम मशरूम चिली बनाने वाले हैं उसको बहुत अच्छा स्वाद आता है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे स्वादानुसार। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मशरूम को कोटिंग आनी चाहिए, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। हमें हल्का सा पानी ऐड करना है ताकि जो हमने मैदा और कॉर्नफ्लावर डाला है वो उसमें स्टिक हो जाए। मशरूम को अच्छी तरह से कोट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मशरूम अच्छी तरह से कोट हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल ऑलरेडी गर्म करने के लिए रख दिया था, अभी हम इन्हें डीप फ्राई कर लेंगे। तो ध्यान रहे, आप जब भी कोई चाइनीज़ रेसिपी बनाते हो तो हमेशा गैस का फ्लेम हाई पे रखिए। चाइनीज़ रेसिपी बनने में वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अभी हम इसे फ्राई कर लेंगे। मशरूम थोड़े गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे डीप फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मशरूम फ्राई हो चुके हैं, अभी हम इसे निकाल लेंगे। तो ये मशरूम फ्राई होने में हार्डली 4 to 5 मिनट्स लगता है। अभी हमने पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल हीट किया है, उसमें हमने चॉप गार्लिक ऐड किया है, डाइस अनियन अभी हम इसमें ऐड करेंगे, 1 कैप्सिकम और ग्रीन चिली हम इसमें ऐड करेंगे। हमें इसे हाई फ्लेम पे थोड़ा पका लेना है, हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। हार्डली 2 से 3 मिनट तक हम इसे स्टिर फ्राई करेंगे। अभी हम इसमें सॉसेज ऐड करेंगे, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस, टोमेटो केचप। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें विनेगर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून विनेगर लिया है। यहाँ पे पानी और कॉर्नफ्लावर को ऐड करके मैंने इसका एक घोल बना लिया था, वो अभी हम इसमें ऐड करेंगे। इससे ग्रेवी थोड़ी थिक बनती है। अगर आपको और ग्रेवी चाहिए तो आप वो घोल ज़्यादा बनाकर उसमें ऐड कर सकते हैं। इससे मशरूम को कोटिंग बहुत अच्छी तरह से आएगी। अभी हम इसमें मशरूम ऐड कर देंगे। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके हमें इसे हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक के लिए पकाना है। तो आप देख सकते हैं कितना सुनहरा कोटिंग इसको आया है। हमें आर्टिफिशियल कोई फूड कलर यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, इतना अच्छा सुनहरा रंग आया है इसे। अब हम इसमें स्प्रिंग अनियन ऐड करेंगे जस्ट फॉर अ गार्निशिंग। तो हमारा मशरूम चिली बनकर रेडी है, अभी हम इसे सर्व करेंगे। सो वेज लवर के लिए ये बहुत अच्छा स्टार्टर है। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो रेडी है हमारी गर्मा गर्म मशरूम चिली, रेडी टू ईट, सर्व हॉट एंड एन्जॉय विथ योर फैमिली। और भी नए नए रेसिपीज़ के लिए स्टे ट्यून्ड विद मज्जूस किचन।